नमस्कार, नीतू सुशील कुमार ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर के आई हूँ राग के बचे हुए चावल से बनने वाली रेसिपी। इसके लिए हमें ज़रूरत होगी थोड़ी सी सोयाबीन की। ये मैंने सोयाबीन 2 घंटे पहले भिगो दी थी और उसको मैंने पानी निकाल दिया है। और ये मैंने पनीर लिया है, ये 250 ग्राम पनीर है, मैंने इसको चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। ये देखिए, ये रात का मेरे पास चावल है, रात में चावल बच गया था कल, तो आज की रेसिपी में हम इसका यूज़ करेंगे। ये मैंने थोड़ा टमाटर लिया है बारीक कटा हुआ, थोड़ा बड़ा टमाटर लिया है मैंने, सा प्याज लिया है मैंने। चलो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। पनीर हमारा फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेंगे। एक प्लेट में फ्राई हो चुका है पनीर, हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम इस चलते हैं आगे। अब मैंने यहाँ पे सोयाबीन फ्राई करना है, सोयाबीन को मैंने डाल लिया है। अब हम इसे भी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, हमारी जो सोयाबीन है ये हमारी फ्राई हो गई है। अब हम इसको दबा दबा के निकालेंगे, यानी हमें जो एक्स्ट्रा तेल है इसको दबा करके तब हम प्लेट में निकालेंगे। अभी बचे हुए तेल में डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा। डाल दिया है, थोड़ा सा टमाटर डालेंगे हम इसमें, प्याज मैंने काट लिया था, प्याज डालेंगे। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच मीट मसाला और 1/2 चम्मच बिरयानी मसाले का यूज़ किया है, ये मैंने ऐड किया है इसमें। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे हम। और मैं अपनी जो मैंने अपना पनीर और सोयाबीन फ्राई किया था उन्हें उसमें डाल देंगे। रात के बचे हुए जो हमारे चावल थे ना, अब वो ऐड करेंगे इसमें। देखने में कितने बढ़िया लग रहा है, लेकिन माने खाने में भी इतने ही स्वादिष्ट लगेंगे। एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा, उसके बाद में कमेंट में हमें बताइएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अरे ये देखिए, बिरयानी हमारी बनके तैयार है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में, खाने में ये उतनी ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसमें धनिया डालेंगे, देख सकते हैं हमारा। अब इसमें हम थोड़ा सा पुलाव वाला कलर डाल देंगे, थोड़ा सा फूड कलर लिया हुआ है, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर, कलर का यूज़ कम करती हूँ तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही लिया है। अब इसमें जीरा डाल देंगे, हमारा पुलाव बनकर तैयार हो गया है। ये सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। प्लीज़ अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर रेसिपी बनाने के बाद आपको पसंद आए, अच्छी लगे, तो कमेंट करके मुझे बताइएगा प्लीज़। धन्यवाद।